सस्रियाकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर है नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी वाई साजन तारड़ सुपर एंग्री ऑन IMF डीडीआई का वीडियो है। मिलकर देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है आरजू काजमी का, और इसमें साजिद तारण है गेस्ट। और टॉपिक है सरपासिंग चाइना, इंडियंस नाउ लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इन जर्मनी। अच्छा जी, मैं भी कहीं पे तो पढ़ा था मैंने ये कि भाई जर्मनी में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो लार्जेस्ट फॉरेन स्टूडेंट्स का ग्रुप बन गया है। और जाहिर सी बात है कि कनाडा ने पंगे ले लिए भारत से, तो भाई भारत के लोग भी तो फिर दिखाएंगे ना भाई कि भारत से पंगे लेने का मतलब क्या है। तो जर्मनी में और दूसरे देशों में भारतीय स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कनाडा छोड़ के और इधर जाना शुरू हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि साजिद तारड़ क्या बता रहे हैं। सर, आज बहुत सारी चीज़ें हैं और ख़ास तौर पर हमेशा जो आप मेंशन करते हैं एजुकेशन को लेकर भी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जी एजुकेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी 4 साल के लिए पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ये कह रही है, पता नहीं करते हैं या नहीं। वैसे तो जैसे आप भी कह रहे थे कि इनका सारा ध्यान तो इस वक्त लोन की तरफ है कि IMF से मिल जाए या कहीं से मिल जाए। साथ साथ जो है वो जर्मनी में भी बताया जा रहा है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 45,000 के करीब पहुंच जाएंगे। और बहुत तेजी के साथ हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो एजुकेशन पे काम कर रहा है। इसहाक डार साहब को जो है वो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। तो ये सब चीजें यहाँ चल रही है, कैसे देखते हैं आप इनको? आरजू, सबसे पहले तो मैं कुछ दिन मेरी गैर हाजिरी रही देखने वालों से। एक तो मैं, आपको पता है, पॉलिटिकल वर्कर हूँ मैं, साथ हमारे इलेक्शन अपने जो है वो भी जोरों पर है, तो मैंने उसमें भी कुछ टाइम देना होता है। मैं माजरत के साथ कि मैं उसमें ट्रेवल कर रहा था अपनी कंपेन, ट्रंप साहब की कंपेन के हवाले से। दूसरा, पाकिस्तान से कई जोक जो है नए सुने जा रहे हैं। एजुकेशन एमरजेंसी है, एक जोक से ज्यादा नहीं है। उसकी वजह यह है कि पैसा खाने को नहीं है कुछ भी, तो एजुकेशन किससे देंगे? देखिए, हवा से तो एजुकेशन नहीं आती ना। स्कूल बनाने से टीचर आएंगे, और जो पॉलिसी बनाने वाले हैं आपके, वो उनके बच्चे तो सब लंदन पढ़ रहे हैं, टोरंटो में पढ़ रहे हैं, रिहायशें हैं उनकी, उनको क्या जरूरत पड़ी है गरीब के बच्चे को पढ़ाने की? हाँ, दुश्मन के बच्चे को पढ़ा लेंगे, ये वो गाने तो बनाए उन्होंने, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा पाकिस्तान में, क्योंकि उसको तो खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो घास खाएगा तो वो पढ़ेगा किस तरह? दूसरा, इस वक्त टोटल मैंने बल्कि आज एक ट्वीट भी, हालांकि मैंने ये खबर पढ़ी है कि भले ही गूगल जो है वो एक इंडियन के हाथों में है, लेकिन गूगल प्लान कर रहा है शायद पाकिस्तान में 50 स्कूल वो बनाएगा। गूगल की तरफ से ऐसी खबर आई है कि वो पाकिस्तान में 50 स्कूल बनाएगा जिसमें स्मार्ट क्लासेस होंगी, स्कूल में सुविधाएं बेहतर होंगी, पढ़ाई बेहतर होगी। अब पता नहीं उस स्कूल का क्या करेंगे, अगर गूगल बना के भी दे दे लेकिन अगर पढ़ाने वाले उसमें वही पाकिस्तान के मौलवी टाइप के लोग हुए हैं तो पता नहीं क्या पढ़ाई होगी। बट लेकिन ये है कि कम से कम ये एक अच्छी पहल है, एक अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। कम से कम उस इस बात को समझें और इस बात के लिए ट्रीट करें, इस बात को की तारीफ करें कि गूगल चला एक इंडियन रहा है, लेकिन उसने 50 स्कूल जो है गूगल कंपनी ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान में बनाएंगे। समझे बेटा, तो इंसानियत हमारे अंदर है। भी किया है IMF की खबर के साथ कि आपको 1 बिलियन कुछ तो मिल गया है मेरे ख्याल में, और 6 से 8 बिलियन मजीद मांगा जा रहा है, जिसमें मैंने अपनी तश्वीश का इजहार किया है कि क्या IMF भी ये पाकिस्तान की एलीट के फ्रॉड में इन्वॉल्व है? क्या IMF आंखों से अंधा हो चुका है कि कोई भी पाकिस्तान के ग्रास रूट इश्यूज के बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ कर्जे लूटने के चक्कर में है? और क्या IMF ये क्यों इस चीज को इग्नोर क्यों कर रहा है? पाकिस्तान के अंदर IMF ये क्यों नहीं देखता कि आपका हर प्रोजेक्ट करप्शन से भरा पड़ा है? $11 बिलियन की प्रॉपर्टीज दुबई में जो है वो सारी दुनिया को पता है कि इन्होंने खरीदी है। 11 बिलियन तो सिर्फ कुछ भी नहीं है, जो लंदन आधा खरीद लिया इन्होंने, टोरंटो आधा खरीद लिया। IMF आंखों से अंधा है कि एक ऐसे कंट्री को मुसलसल पैसे दे रहा है जो पैसे पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं है। क्या पाकिस्तान के साथ ये दुश्मनी के मुतरादिफ नहीं है कि पाकिस्तान के जो ये जो रूलिंग एलीट है इनको 8-8 बिलियन के पैकेजेस दे रहे हैं और इन्हें पता है वो पाकिस्तान पहुंचेगा नहीं है?
बल्कि मेरे जैसे बंदे यहाँ पे परेशान हैं जिनकी खून पसीने की कमाई ये दे रहे हैं, मैं अमेरिका में जो कमाता हूं उसमें से आधा तो ये टैक्स ले लेते हैं और वही पैसा फिर वो इन करप्ट लोगों को दे देते हैं, और फिर वो पैसा इनके तो मजे निकले हुए हैं कि वो पैसा पाकिस्तान जाता नहीं है, आपके गुर्दों पे साइन पहले कर आप ये साइन करके दे जाते हैं, और 25 जो मिलियन जो 250 मिलियन है वो बस किस्तें दे रहे हैं उसकी IMF की, वो किस्तें देने के लिए वो इन्होंने रखे हुए मुलाजम एक लेबर कैंप बना दिया है पाकिस्तान को। अब इसमें और खास बिल्कुल देखें, इनको सबको पता है कि करप्शन प्रॉब्लम है, एक्सपोर्ट वहां से कोई चीज ना हो रही है, ना होने की सलाहियत रखती है। तभी मैं कहूं कि तारड़ साहब जो है वो भड़के हुए क्यों हैं, और तभी वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि ट्रंप ने तो कहा था मैं तो बंद कर दूंगा पाकिस्तान को एक भी रुपया देना, ट्रंप ने कहा था ये, और अगर दोबारा आ गया ट्रंप तो ट्रंप साहब आ गए तो सोचे कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और मुझे लग रहा है कि ट्रंप साहब आ जाएंगे क्योंकि बाइडन साहब जिनसे पांव अपने सही से नहीं रखे जा रहे हैं, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द वीकेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बाइडन साहब हैं हिस्ट्री में, क्योंकि बिजली बहुत महंगी है, तालीम नहीं है, लोग वहां से जरीलो ख्वार होकर भाग रहे हैं। जिस जर्मनी की आपने बात की है जहां पे 45,000 2024 में 45,000 भारतीय स्टूडेंट आ रहे हैं, आपके भी लोग जा रहे हैं वहां मंडी बाउद्दीन से जा रहे हैं, लेकिन पैदल चल के जा रहे हैं, डंकियों पे जा रहे हैं, आधे रास्ते में टर्की के डूब जाते हैं समुद्र, और मैट्रिक भी तालीम नहीं है। फिर हमारे आर्मी चीफ आते हैं, हमारे वजीर आजम यहाँ आके जलसों में कह देते हैं कि ये डायस्पोरा है, ये डायस्पोरे को अमेरिका, ये कहते हैं आप सब हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, ये नहीं पता ये सारे किश्तियों में आए हैं बैठ। लेकिन इसमें आरजू दर हकीकत मेरे जख्म जो है वो मेरे जख्म 76 साल पुराने। मैं मुसलसल जब भी पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पढ़ता हूँ 1947 में जिस तरीके से वहां से इन्होंने शुरू किया, अब बल्कि मुझे अभी मैं हिस्ट्री की एक बुक पढ़ रहा था जिसके अंदर मुझे पता चला कायदे आजम हमारे फाउंडर ने अमेरिका से 2 बिलियन कर्जा मांगने का 2 बिलियन की ग्रांट मांगने के लिए लेटर लिखा था। एक्सक्यूज ये था कि भारत ने हमारे फंड जो है वो जब्त कर लिए रख लिए। अच्छा, मतलब भीख मांगने की जो नींव थी वो कायदे आजम ने रखी थी, भाई ये तो बात मुझे भी पता नहीं थी, तारड़ साहब ने तो ये नई बात बता दी भाई। ओहो, तो जब कायदे आजम ने भीख मांगने की परंपरा की शुरुआत कर दी तो उनके बाद वाले तो करेंगे ना। ओ, अब समझ में आया कि पाकिस्तानी हमेशा भीख क्यों मांगते रहते हैं और भीख पर ही जिंदा क्यों रहते हैं, क्योंकि कायदे आजम ने शुरुआत की थी। अब समझ आ गया, गुड। और ज्यादातर इंडस्ट्री भारत के हिस्से में चली गई। फिर भारत एक इतना बड़ा कंट्री है, हमारे पास फौज छोटी है, हमें डर है, खतरा है भारत से, हमें $2 बिलियन दिया जाए, अमेरिका ने नहीं दिया। फिर किस तरीके से इन्होंने पिशावर के अड्डे दिए, इन्होंने अयूब खान साहब आए, इन्होंने यहां, बल्कि अमेरिका, इनकी स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान आर्मी इज एन अमेरिकन आर्मी। फिर इस्लाम को यूज किया उस वक्त भी कि हम तो भाई सोशलिस्ट उनके साथ नहीं चल सकते, हम तो जमहूरियत के साथ चलेंगे, क्योंकि सोशलिज्म के अंदर जो है वो इस्लामिक वैल्यूज नहीं। तो फिर ये जख्म, ये आपके हालात आज नहीं है, नवाज शरीफ साहब तो एक, शहबाज शरीफ साहब तो एक, चेहरे बदले हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। सिकंदर मिर्जा, अयूब खान देखें, फिर जिस तरीके से लवी डवी होते रहे, फिर बिल्कुल ही पाकिस्तान डिपेंडिंग हो, आज भी डिपेंडेंट है अमेरिकन एड पे। आपकी आर्मी जो है, डिफेंस टोटल ऑफ जो है वो, क्योंकि हर टैंक, हर F-16, हर वहां पे बेल्ट तक तो बना नहीं सकते हैं भाई, वो तो F-16 को पंक्चर लगाने की सलाहियत भी नहीं रखते, वो भी यहां से जाती हैं चीजें, तो वो चल रहा है सारा कुछ। लेकिन फिर उसमें आरजू जब कौमें, अच्छा तभी मैं कहूं कि 400 मिलियन का जो या कितने का पैकेज आया था F-16 का पैकेज, वो क्यों अमेरिका को देना पड़ा। सही कह रहे हैं तारा साहब, पंचर लगाने की, F-16 में पंचर लगाने की भी सलाहियत। पाकिस्तानी एयरफोर्स वालों सुन लो, तुम लोग F-16 के पंचर लगाने लायक भी नहीं हो, पंचर पुत्रों। आगे बढ़ने की बजाय वहां से भाग रही हूं, उसमें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, जरा उनकी मैं डिफाइन करना चाहूंगा,
कुछ तो जो वीजा की एप्लीकेशन भरने की सलाहियत रखते हैं वो तो वीजा लेके भाग रहे हैं, जो एप्लीकेशन नहीं पढ़ रहे वो पैदल भाग रहे हैं, जो लिख नहीं सकते अपना, जिनकी टांगे काम नहीं करते वो वहां बैठे हैं बस, उनको वो आप रहमोक्रम पे हैं। एक जेल बना है, एक लेबर कैंप है, उसमें फंसे हैं 250 मिलियन लोग, और फिर उसके बाद आपने शुभ शुभ उनके पास क्या है, मेजोरिटी ने पढ़ा है, जाहिल है। आपने देखें शुभ शुभ को जो आप वो फूंकों के साथ आपके कैंसर का इलाज कर रहे हैं, फूंकों के साथ वो बाईपास सर्जरी कर रहा है बंदा। दूसरा एक बंदा जेल के अंदर है जिसको एक औरत ने कहा है तुम आओ भाई, 5 बच्चों की माँ हो, तुम मुझसे शादी करो तुम वजीर आजम बन जाओगे, वो उसके साथ शादी कर ली उसने, फिर जिन्नात के जरिए 3.5 साल उसने चलाया। आज बल्कि मैं हैरान हूं एक बात, दो चीजें मेंशन करना चाहूंगा। आज मिफ्ता इस्माइल साहब जो है सुना है टीवी के एक इंटरव्यू में रो पड़े हैं फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि नैब ने केसेस नैब के खास बल्कि बिलखसूस मैं ये चाहूंगा आपके तरफ, खैर लोग देखने वाले आपका ना याददाश्त बहुत छोटी, मेरे अक्सर दोस्त उस नैब के चेयरमैन का उन्होंने नाम रखा हुआ है चुमी चेयरमैन, जो पहले किसी करते हुए पकड़े गए थे, तो वो उन्होंने मिफ्ता इस्माइल के ऊपर केस बनाया, उनकी वाइफ के ऊपर केस बनाया, फिर नैब के पास उसके केसेस का कोई प्रूफ नहीं था, तो वो जो अब आज उन्होंने वापस किया तो वो आज टीवी चैनल पे रो पड़े। यूपेन के ग्रेजुएट है, उस पर मुझे एक और सेनेटर थे उनकी मुझे याद वो बहुत हो चुके हैं, उनकी कौमी असेंबली में स्पीच थी, उन्होंने कहा था कि अब हम रो रहे हैं कल आप भी रोओगे, और उनके ऊपर केस बनाने वाले मेरे मुर्शिद पाक थे। मिफ्ता इस्माइल के पास चुम्मी चेयरमैन जो था ऑपरेट होता था इमरान खान के रिमोट कंट्रोल से। आज ये कहते हैं हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, इन्होंने खुद अपने दौर में क्या क्या नहीं किया, लेकिन हर दौर में होता है, आज 76 साल से हो रहा है। आज मैं आपको जो आपने खुद बात की इसहाक डार साहब को डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, साथ मेरे राणा सनाउल्ला साहब को भी बना दिया गया है, क्योंकि सुना है कि इंतशार अंदर से ही शुरू हो चुका है। इन दो लोगों की खूबसूरती क्या है, ये नवाज शरीफ ग्रुप के लोग, ये मायूस थे, और जब उस मौके पर ये सारी अनाउंसमेंटें हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब अपने दोते को साथ लेकर सफदर साहब को सफदर जुनैद सफदर को साथ लेकर चाइना के दौरे पे गए हैं कि आए हैं, और सुना अपने पर्सनल एंटरप्राइज बढ़ा रहे हैं, वो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कौम के लिए अगर देखा जाए तो कुछ भी लेने नहीं गए, जो बाहर एक ड्रामा किया जाए चले करें, देखें 250 मिलियन बेवकूफ मिले हैं आपको, आप लूटे उनको, आप दिल खोल के लूटे क्या फर्क पड़ता है, और आप पहले और आखिरी नहीं होंगे, ये भी बताना चाहूंगा, आप पहले और आखिरी नहीं जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं, पहले भी लूटते रहे हैं, आज भी लूटेंगे क्या फर्क पड़ता है, हम अपनी माँ के कपड़े फाड़ने में बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, 76 साल से फाड़ रहे हैं, दूसरे सऊदी अरेबिया चले गए हैं, इस वक्त आपकी हुकूमत की सिर्फ एक ही आगे चलने की सलाहियत है कि अगर $5 बिलियन कहीं से मिल जाएगा जो को ये सारे लूटेंगे मिलके बैठ के, तो ये हुकूमत चलेगी वरना हुकूमत खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ से आपको इशारा आ चुका है, कल बड़ा अच्छा जावेद फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई के साथ हाथ मिला लिया तो ये गवर्नमेंट 6 महीने से ज्यादा नहीं चली। अब जो लोग देखने वाले हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान के पास ऐसा कौन सा वेपन है जिससे वो हुकूमतें बनाने और खत्म करने की सलाहियत रखते, सबसे बड़ा वेपन उनके पास मजहब का कार्ड है इस्लाम, इस्लाम खतरे में कर देते हैं डाल देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा वेपन उनके पास क्या है जिसका जो पाकिस्तान की फाउंडेशन में घुसा हुआ है और वो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक वही चीज है, वो चीज है आपका शुभ शुभ मदरसे, वहां से बच्चों को लेके आने की सलाहियत उनके पास। मौलाना फजलुर रहमान पर कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनकी कोई विजन नहीं है पाकिस्तान की, कोई विजन नहीं। मगर दो दिन पहले तो मौलाना साहब भारत की भी बड़ी तारीफें करते रहे। कोई तारीफ तो करनी, इस वक्त भारत राइज जो कर रहा है नजर आ रहा है पूरी दुनिया को, अंधों को भी नजर आ रहा है कि भारत राइज कर रहा है, तो उनका कहना कौन सा, इमरान खान साहब अपने जलसों में कहते रहे कि जी देखें उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें भाई, वो देखें जब दिल करता है रशिया से तेल ले ले, हाँ भाई तुम IMF से टुकड़े छोड़ो तो तुम भी तेल ले लो जहां से मर्जी, रशिया से तेल तो कैश पे मिलता है ना, वहां से कर्जों पे तो नहीं मिलता, तुमने पाकिस्तान को तबाही किसे कभी इसके पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा करने की कोशिश की हो तो फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो ना। अगले दिन हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी कहा है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए इंडिपेंडेंट मुआशी तरक्की जरूरी है, और मैं हर हंदे को भी पता है इस बात का
कि जब आप घर के घर में खाने का खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो फॉरेन पॉलिसी तो उसके बाद की बात है, जहां से पैसा आता है टर्म्स कंडीशन साथ आती है, ये हर अंधे को पता है। ये 250 मिलियन लोगों को तो शायद नहीं पता, लेकिन हर अंधे को पता है कि जब तक आप अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भूल जाए। आप क्या फॉरेन पॉलिसी की बातें करते हैं, फॉरेन पॉलिसी के स्पेलिंग सीखो पहले। हिस्ट्री मैं तो समझता हूँ गलत हिस्ट्री पढ़ा पढ़ा के लोगों को पाकिस्तान में आपने खराब कर दिया। हमारे जैसे लोगों को रिसर्च करने के लिए 5,000 किताबें पढ़नी पड़ती हैं, आपका माजी क्या है। मैं तो अभी देख रहा हूं कि आपने चाइना के साथ क्या करते रहे हैं, आप अमेरिका के साथ क्या करते हैं, लूट लूट के आपने दूसरे मुल्कों को यहाँ पर टोरंटो लंदन और दुबई सारा खरीद लिया। इस बात से पता नहीं कितने पाकिस्तानी अग्री करेंगे, लेकिन मैं इस बात से अग्री करता हूं साजिद तार साहब कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक इकलौता देश होगा जिसकी गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जिसकी नींव गलत रखी गई, झूठी बातें बताई गई। आप सोचो यार, जो देश मतलब अपना सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस डे भी एक झूठी तारीख पे मनाए सिर्फ इस बात में आके कि हम इंडिया के बराबर नहीं, हम इंडिया से ऊपर हैं तो हम एक दिन पहले मनाएंगे, आप समझ सकते हैं उस देश का क्या होगा। और ये उस देश के लोग सच मानते हैं। हम तो जी एक दिन इंडिया से पहले आए, पहले आजाद हुए। सबसे पहली बात, आप तो आजाद नहीं हुए, कहां था 15 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का देश और किसका गुलाम था। दूसरी बात, 15 अगस्त 1947 को ही आपका देश बना, 14 अगस्त को नहीं बना, लेकिन आप लोग इंडिपेंडेंस डे सो कॉल्ड 14 अगस्त को मनाते हैं। एक आध साल आप लोगों ने तो 15 अगस्त को ही मनाया था शुरू में, पता है आप लोगों को, पता नहीं कितने पाकिस्तानियों को पता है, शुरुआत में 15 अगस्त में ही मनाया था। आपके कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसमें बताया गया है कि जी 15 अगस्त आजादी मनाई गई आपकी सो कॉल्ड शुरुआती दौर में। आपके पाकिस्तान रेडियो का भी शायद एक डॉक्यूमेंट है, आपके अखबारों में है ये बातें, और आपने उसको बदल दिया और पाकिस्तान की जनता ने उसको स्वीकार कर लिया कि हम एक दिन पहले पैदा हुए, झूठी तारीख। फिर कहा गया कि जी हम 27वें रोजे को हमारा देश बना, कितना पाक दिन था 27वां रोजा रमजान का। अरे जाहिलों, जाकर सर्च करो 27वां रोजा कब था, अगस्त 1947 में 15 अगस्त को था। उसके बाद भी तुम अपने सरकार से अपने लोगों से सवाल नहीं पूछते कि फिर हम 14 अगस्त को क्यों मनाते हैं। झूठ को तुमने सच मान लिया, तो जब झूठ को सच मानोगे पूरी कौम ऐसी करेगी तो उस देश की हालत क्या होगी। आज 76 ईयर्स बाद देख लो कैसी हालत है तुम्हारे देश की। हर तरफ झूठ फैला है, मक्कारी फैली है, बेईमानी फैली है, लालच फैला हुआ है हर तरफ। हुजूम बनकर रह गए हैं, कौम कभी नहीं बन पाएंगे, ना बन पाएंगे, इतने करप्ट हैं आप लोग। और उसमें आपने इस्लाम को वेपनाइज कर दिया, इस्लाम को एक हथियार बना लिया आप लोगों ने, तो उसका भी फल मिल रहा है। और मुझे लगता है कि इसीलिए साजिद तार साहब का चेहरा देखो, भड़के हुए बेचारे, कितने गुस्से में। मैं तो बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आईएमएफ फ्यूचर में IMF के ऊपर केस करना चाहूंगा फ्यूचर में। उसकी वजह ये है कि एज एन अमेरिकन सिटीजन मेरा ब्लड एंड स्वेट जो है इन करप्ट लोगों को देते हैं, और इनसे पूछते नहीं भी कहां लगाओगे, पूछते भी नहीं है। मगर सर आप इतना हल्के में ले रहे हैं, आपको पता नहीं अब ये चंद्रयान 3 को जो है चैलेंज करने जा रहे हैं, हमारा मिशन भी जा रहा है चांद पे। वो भाई एक चाइना की बस जा रही है आसमान की तरफ, उसमें हमने जो एक रियायती टिकट, उन्होंने कहा है भाई हम भारत को आपको दे देंगे कोई खबरें लगाने के लिए, तो आप भी को बच्चा भेज दें। तो ये वो आप उसकी बात कर रही है, मुझे ये पता है। हमारे पास साइकिल चलाने के लिए नहीं है भाई, हम तो साइकिल नहीं बना सकते, आप चांद पे जाने की बात कर रहे हैं। 11 बिलियन दुबई के अंदर 11 बिलियन पड़ा है, वो किस तरह चला गया आरजू, ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा मजे की बात ये है कि पाकिस्तानी अखबार एकदम पगलाए हुए हैं, हिस्टोरिक मिशन। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स एक दो जो अपने आप को इंटेलेक्ट बनते हैं, हिस्टोरिक मिशन, हिस्टोरिक लूनर मिशन और ये वो। अबे अकल के अंधों, अकल से पैदल चलने वालों, ये बताओ कि उसमें आपका योगदान क्या है। क्या आपने वो सैटेलाइट खुद बनाया है, क्या आपने वो रॉकेट खुद बनाया है, क्या आपके पास इतनी सलाहियत है कि आप उसको पहुंचा पाओ चांद के ऑर्बिट में। चाइना ने तो आप पर रहम किया है कि चलो ठीक है, चूंकि भारत से थोड़ा उसको कंपटीशन देना है, भारत को थोड़ा परेशान करना है, दिखाना है ऐसी की तजी हम तुम्हारे खिलाफ हैं, तो उसने कहा कि अच्छा पाकिस्तान ठीक है चल
तेरे नाम से भी एक सीट बुक कर देते हैं और एक छोटा सा फुंतरू छोड़ देंगे। अब तू बोल दियो कि भाई हमारा लूनर मिशन। आप सोचो, हिस्टोरिक बता रहे हैं, किस बात का हिस्टोरिक है भाई ये? हिस्टोरिक चीजें वो होती हैं जो आपने खुद बनाई हो और खुद भेजी हो। हिस्टोरिक ये होती है, जब हमारे जियो सैटेलाइट भेजे जाते थे, अभी भी भेजे जाते हैं कई, क्योंकि हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी उस वक्त, तब हम उसको हिस्टोरिक नहीं कहते थे। हिस्टोरिक तब हुआ जब हमने अपना GSLV बनाया, जब हम इस बात के लिए खुद को हमने तैयार कर लिया कि अब अपने भी हम जियो सैटेलाइट हम भेज सकते हैं अपने, जो 36,000 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, भले उसकी टेक्निक अलग है, सारी चीज़ें अलग है, तब हमने कहा कि हिस्टोरिक। जब हम मून पर पहुंचे तब हमने कहा हिस्टोरिक है, हमारा रॉकेट, हमारी सैटेलाइट, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारा पेलोड, हमारी लॉन्चिंग साइट, हमारी जमीन से लॉन्च हुआ, हमारे साइंटिस्ट ने लॉन्च किया, हमारे साइंटिस्ट के बनाए रॉकेट ने लॉन्च किया, हमारे साइंटिस्ट के बनाए सैटेलाइट वहां तक पहुंचाए गए। जब हमने मार्स पर मिशन भेजा, मार्स पर सैटेलाइट भेजा, वो हिस्टोरिक था। ये कौन सा हिस्टोरिक मोमेंट है यार, हिस्टोरिक चीज है यार, ये तो आप लोगों के लिए डूब मरने वाली बात है कि इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से पहले आपका सुपारको बनाया गया और आज आप इस बात को हिस्टोरिक कर रहे हैं कि वो चाइना की बनाई हुई चीज पर और चाइनीज चीज पे आप भेज के कह रहे हैं कि जी वो हमारी हिस्टोरिक मोमेंट है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों। 250 मिलियन लोगों में से हर के लिए क्वेश्चन है, चैलेंज करो उसको। 11 बिलियन की प्रॉपर्टीज है दुबई में तुम्हारी और तुम कहते हो हम गरीब मुल्क है। गरीब कहां हो भाई, तुम लूट के खा गए हो इसको, ये तो सोने की चिड़िया है तुम्हारे लिए। तुमने तो दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जिसको बेवकूफ नहीं बनाया आपने? ये तो मैं हैरान होता रहता हूँ कि पता नहीं ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन चाहती क्या है आपसे। इतनी दुश्मनी है आपसे, इतनी दुश्मनी कि वो 5-6 हजार लोगों के घर टोरंटो में, लंदन में, दुबई में बन रहे हैं और उनको मुसलसल पैसे दे रहे। अब 3 साल के लिए सुना पैकेज दिया जा रहा है 6 से 8 मिलियन डॉलर। पता नहीं उसका वो क्या करेंगे, कितने घर लेंगे ये। दुबई शायद हो सकता है सारे ही ना खरीद लेंगे, मुझे तो ये डर लगा हुआ है। मुझे तो आरजू आप पॉसिबल है जी, मुझे तो आपका फिक्र होता है कि आपके गुर्दों के, इन सबकी नजर आपके गुर्दों पर, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ऐसे ही सर, इसी तरह। चलिए तो वीडियो खत्म करते हैं, बहुत बड़ा वीडियो लेकिन काम लायक बातें हो गई हैं और टाइम भी अब हो रहा है। 11 बिलियन की प्रॉपर्टी लंदन में, बाप रे, $11 बिलियन की प्रॉपर्टी। पाकिस्तानियों, अरे कब जागेगा रे जमीर तुम लोगों के अंदर का, कब खून खोलेगा रे तुम लोगों के अंदर का खून? पाकिस्तानियों कुछ करो, तुम्हें गुलाम बनाया हुआ है, तुम्हें लूट कर चूस कर $11 बिलियन की प्रॉपर्टी सिर्फ लंदन में। तारर साहब ने तो गजब की बात कर दी यार, कई सारी नई जानकारियां दी तारर साहब ने, बताइए आज $11 बिलियन की प्रॉपर्टी, यही शरीफ खानदान का होगा और किसका होगा? इसके बाद भी पाकिस्तानी जाग नहीं रहे, इसके बाद भी पाकिस्तानियों को लगता है कि नहीं सब उसकी मर्जी से हो रहा है, झेलो फिर मर्जी से। महंगाई तुम्हें झेलनी है, महंगा पेट्रोल तुम्हें खरीदना है, भुखमरी तुम्हारे साथ हो रही है। मुझे बता दो कौन सा नेता ने महंगा पेट्रोल खरीदने के लिए उसके पास टेंशन है कि यार पेट्रोल कहां से खरीदूंगा? किसी नेता को नहीं, ना तुम्हारी सरकार को है, ना तुम्हारी फौज को है। फौज ने तो अपना काम कर लिया है, अपनी अपनी जमीनें लेकर खेती भी कर रहे हैं, उनके पास खाने की कमी नहीं होने वाली। खाने की कमी तुम्हारे पास है, राशन की कमी तुम्हारे पास है, उनको तो सारी चीज़ सब्सिडी में मिलती हैं, बिजली फ्री, प्रोटोकॉल फ्री, आना जाना फ्री, टेलीफोन फ्री, ये फ्री, खाना फ्री, 100-200 नौकर फ्री। तुम्हारे पास क्या है पाकिस्तानियों? तुम्हारा खून चूसा जा रहा है लेकिन तुम लोगों की गैरत नहीं जाग रही। बड़े बेगैरती हो यार तुम लोग पाकिस्तानी, अपने हक की आवाज नहीं उठाते। अरे निकलो सड़कों पर, अपना हक लो, बोलो कि अगर हम 300 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदेंगे तो तू भी खरीदेगा 300 रुपए लीटर पेट्रोल, तेरे लिए फ्री में पेट्रोल क्यों जबकि टैक्स हम दे रहे हैं? अगर तुम 200 रुपए किलो प्याज खरीदते हो, बोलो कि तू भी 200 रुपए किलो प्याज खरीदेगा, टैक्स हम दे रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, तेरे लिए फ्री फोन क्यों है? तू महलों में क्यों रहता है? तू हमारी तरह रह, कब उठोगे, कब निकलोगे?
थोड़ा बहुत टाइम बचा है, बचा लो पाकिस्तानियों अपने पाकिस्तान को, बड़ा मुश्किल है। वरना देखो तारड़ साहब का गुस्सा देखो तुम, तो बेचारे क्या करें, गुस्सा ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। वो देख रहे हैं कि आईएमएफ जो पैसे दे रहा है, जो ये अमेरिकी नागरिक हैं, इनका टैक्स में पैसा कटता है ये बता रहे हैं, और वो पैसा उन लोगों के पास जा रहा है जो अपनी जेब भरेंगे, वो पाकिस्तान की आम आवाम पर नहीं लगाएंगे, वो जेब भरेंगे। महंगी बिजली, महंगी गैस, ट्रांसपोर्टेशन महंगा, सब्जी खाना महंगा, रहना महंगा, सब कुछ महंगा, और तब भी तुम लोग पिस रहे हो पाकिस्तानियों। अरे उतरो, निकालो इन लोगों को, बाहर निकालो सड़कों पर, डर बिठाओ अपना कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों के हिसाब से चलेगा, न कि कुछ परिवारों के हिसाब से। खैर तुम लोग तो सोई हुई कौम हो, तुम लोग कहते हो कि जागी हुई कौम हो, अरे तुम लोग तो एकदम सोई हुई कौम हो, और वैसी वैसी सोई नहीं, तुम लोग हाइबरनेशन में हो। वो भालू वगैरह होते हैं ना जो पोलर बेयर, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, छह छह महीने तक सोते रहते हैं, छह महीने, तुमने पता ही नहीं रहता कि दुनिया में छह महीने में क्या हुआ। अगर वो उनके ऊपर कोई पहाड़ गिर जाए, मर जाए, तो उनको पता ही नहीं चलेगा, वैसे ही मर जाएंगे वो। वही हाल तुम लोग का, तुम लोग हाइबरनेशन में हो, तुम लोग सोए भी नहीं हो, आप लोग स्लीप में नहीं हो, हाइबरनेशन में हो। निकलो, हाइबरनेशन तोड़ो भाई, वरना झेलो फिर। आप कमेंट करके जरूर बताएं, जल्दी मिलता हूं मैं कौन है वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। मैंने देखा वीडियो था साजिद तारड़ साहब का आरजू कादमी के साथ, और बात कर रहे थे पाकिस्तान के हालिया जो रीसेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं, खास करके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आने वाले चार सालों में एजुकेशन एमरजेंसी लागू कर दी गई है, यानी कि हम तालीम पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। दूसरा, उन्होंने साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह भी कहा, हमें आईएमएफ से लोन मिल गया। और तीसरा उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा, तीसरा चांद पर भेजा गया पाकिस्तान की तरफ से भी एक मिशन, लूनर उसका नाम है, और उसको जाएगा, वहां से तस्वीरें खींचेगा, रिसर्च करेगा, और पाकिस्तान को बड़ी मदद मिलेगी उससे चांद के हालात देखने में। अब ये देखें, एक टाइम के लिए तो सोचें तो बड़ा अच्छा लगता है कि पाकिस्तान भी कुछ कर रहा है, दूसरी टाइम के लिए अगर हम अपने ग्राउंड के हालात देखते हैं, जहां पे गरीब और गरीब के बच्चे स्कूलों से उतने ही दूर हो चुके हैं जितने के एक गरीब के घर में रोटी उससे दूर हो चुकी है, मेहनत मजदूरी दूर हो चुकी है, उसके घर में रोटी पहले आएगी तो बाद में वो सोचेगा कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा, तो उसके बच्चे भी उसके साथ मेहनत मजदूरी में ही लग रहे हैं जो काम करने की हालत तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे कैसे आप इमरजेंसी लाओगे, कैसे आप तालीम दोगे? तालीमी निज़ाम हमारा इतना बेकार हो चुका है जिसकी कोई बात ही नहीं है, इतनी महंगी हो चुकी है यहाँ पे तालीम, सोचना सोच के ही दिमाग घूमने लगता है कि हम अपने बच्चों के साथ आने वाले समय में क्या करेंगे, कैसे उनको अच्छी तालीम दिलवा पाएंगे या नहीं दिलवा पाएंगे। और लेकिन वहाँ पे आम बंदा, एक आम इंसान जो कि मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है, और उसके हाथ से वो भी छीनी जा रही है, तो कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे ये तालीमी इमरजेंसी, बस हवाई हवा हवाई बातें, और इस पे ही सारा फोकस, मांगे तांगे की हुकूमत, और उस पे आईएमएफ के कर्जों पे चलने वाला मुल्क, वहां पे तालीमी इमरजेंसी नाफिज होगी। ये सुनने में तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अमलन इस पे कुछ होता हुआ 90% मुझे तो लगता है कि ये लोग और ये हमारे लोग करने ही वाले नहीं है, क्योंकि हमने कभी भी कोई काम होता हुआ देखा ही नहीं है। और उस पर अब जितनी ज्यादा हम तनकीद करेंगे उतने ही हमारे खिलाफ भी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। तो यही वो चीज़ है कि कुछ करने वाले नहीं है, आईएमएफ लोन दे रहा है, उस लोन को किस तरह से चुकाना है उसके लिए ये सर तन धड़ की बाजियां लगा रहे हैं, और वो भी इसलिए लगा रहे हैं कि वो कहता है कि मैं दोबारा नहीं दूंगा तुम्हें लोन अगर तुमने ये वाली चीजें मेरे हुक्म अदौली की। तो माजी में जो हुकूमतों ने उसके हुक्म मदूली की, तो फिर उसने आईएमएफ ने ऐसे चांटे वांटे लगाए पाकिस्तानियों को कि नानी का नानी याद आ गई सबको, लेकिन अब ये उसको जो उसका प्रोग्राम आना होता है उसकी शर्तें उससे भी दो चार हफ्ते पहले तक मान कर बैठे होते हैं कि भाई ये ले मेरे सरकार, हमने ये कर दिया है, अब हमें लोन दे दो क्योंकि हमने अपनी सरकार को चलाना है। जहां पे हालात इस तरह के हों वहां पे इस तरह की बातें मुस्कुराहट के ऐसी लगती हैं। ये चांद का मिशन हो, चाहे वो
एजुकेशन पे ऊपर, इमरजेंसी हो या कुछ भी, ये जो हमारी हुकूमत अनाउंस कर रही है हमें तो सिर्फ एक मजाक लगता है, इसके सिवा कुछ नहीं लगता। हाँ कोई मौजजा हो जाए तो हो जाए, तो बाद में हम कह सकते हैं कि हाँ यार ये कुछ बेहतर हुआ है, ये चीजें कुछ बेहतर है। भाई बात ये है कि बात वही है कि अगर हम बात करें तो बात है रसवाई की, कि हमें जो IMF से लोन मिला है और दूसरे ममालक से जो हमें डॉलर आ रहे हैं, सरमायाकारी आ रही है, जो पैसे आएंगे डॉलर की शक्ल में, तो वो हमने जो है कैसे जो है वो साइड लाइन लगाने हैं, कैसे हमने जो है वो अपने असासे बनाने हैं, ये चीजें जो है उन चीजों के लिए ऐसे मुद्दे जो है वो रखे जाएंगे जो पहले ही इन्होंने रख दी, क्योंकि इन चीजों में ये एक्सपर्ट है और ये अपने जो है वो सारा काम करेंगे सिर्फ इन्हीं बातों पे। ये 75 सालों से ऐसे ही जो है इमरजेंसियां जो है तलीम पे और करदार पे और हेल्थ पे और पतन के अखलाक पे, पतन किस किस पे जो है इन्होंने ऐसे इमरजेंसियां लगा के जो है वो पतन लाखों अरबों जो है डॉलर जो है वो साइड लाइन किए हैं। और अब देखेंगे अब इस दफा जो लोन आया है ये देखेंगे कितना गरीब की जेब में जाता है और कितना जो है ये अमीर की जेब में जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल जी, आप देखिए कि आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने सिंसेयर है गवर्नमेंट इस काम के लिए, कि एक इंडस्ट्रियल ने अपना सब कुछ दाव पे लगा के अपनी इंडस्ट्री को दुनिया के सबसे महंगे तरीन सोलर सिस्टम पे कन्वर्ट किया, उस पर भी टैक्स लगा लिया। सोलर क्यों लगा रहे हैं? सोलर आप अपनी मदद आपके तहत क्यों लगा रहे हो? हमारी कमाई का जरिया, हमारी यशियों का जो जरिया है वो तो आप बंद कर रहे हो, क्योंकि हम जब चाहते हैं बिजली का रेट बढ़ा देते हैं, जब चाहते हैं गैस के रेट बढ़ा देते हैं, जब चाहते हैं पेट्रोल के रेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये तीन चीजें डायरेक्ट हैं जिनसे हम जब चाहें जितनी चाहे कमाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए आपने उसका जो मुतबादल है आप तो अपने खुद को फील हो गए, फिर आपको हम कैसे बात मना पाएंगे? तो यही सारी चीजें हैं, तो यही वो चीजें हैं कि जो सबसे पहले काम करने वाले हैं उन पे काम करना चाहिए। देखिए खुशी हुई, चले करेंगे या नहीं करेंगे, चले सोचा था बात तो की कि चले जी हमने इमरजेंसी जो है ना, बिल्कुल जी इमरजेंसी इस वक्त पाकिस्तान को तालीम की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्टार्टअप छोटे छोटे मुहैया करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अल्लाह करे कि ये कुछ ऐसा कर दें कि आने वाले वक्त में इनके पिछले जो पाप है वो धुल जाए, चले जिस तरह से भी ये आए हैं, लेकिन मुल्क के लिए बेहतरी होनी चाहिए, लेकिन वो नजर नहीं आ रही। अब देखिए कि इस वक्त जो है वो इंडस्ट्रियल जो है ना बहुत ज्यादा हद तक जो है ना परेशान हो चुके हैं कि भाई हम आस्ता आस्ता करके अपनी जमा पूंजी जो है ना हमने इस तरफ लगाई थी, अब उसके ऊपर भी ये डिक्टेशनशिप आ गई है, तो हम अब क्या करेंगे? तो यही चीजें हैं, आज इंडस्ट्री जबू हाली का शिकार है। तो जब इंडस्ट्री ही तरक्की नहीं करेगी, फले फूलेगी नहीं, उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, तो फिर उसकी प्रोडक्ट कहाँ सेल होगी? तो रोजगार कैसे मुहैया किए जाएंगे? तालीम भी चाहिए साथ में रोजगार भी चाहिए। जो इस वक्त इंडस्ट्री चल रही है उसकी बेहतरी के लिए इकदाम भी करने चाहिए, लेकिन वो कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। आज देखिएगा आज जो किसान है वो बुरी तरह से जो है ना वो डिस्टर्ब है, रो रहा है, रेट गवर्नमेंट के क्या है और आज जो उसकी गंदम है वो किस रेट पे बिक रही है। तो अब इससे देखे देखिए उसकी हर चीज महंगी है, खाद है, स्प्रे है, हर चीज महंगी है, लेकिन जब उसकी फसल बेचने का वक्त आता है तो उस वक्त आज देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो यही चीजें हैं, आपको हर चीज में बराबरी करनी पड़ेगी। किसान को जो चीजें चाहिए वो भी सस्ती करनी पड़ेगी ताकि उसकी कॉस्ट कम हो और वो अपनी फसल भी सस्ते दाम हो। वो तो बेचारा मजबूर है, आपने जिस लेवल पे आपने करना है वो आप रेट मुकर्रर करके भी आप उसको खरीद नहीं रहे। तो ये सारी चीजें हैं, अल्लाह करे। गंदम का सीजन है और किसान ने जो सरकारी रेट है उस पर भी गंदम वो नहीं बेच पा रहा, उससे भी कम से कम 500-1000 रुपया फी मन कम बेचने पे मजबूर है, क्योंकि उसकी गंदम नहीं ली जा रही, क्योंकि नहल जो हमारी पिछली जो निगरान हुकूमत थी उसने गंदम पहले ही ज्यादा इंपोर्ट करके रख ली और 1.5 अरब डॉलर तक का कहते हैं कि इससे नुकसान हुआ पाकिस्तान को। अब वो पहले गंदम पड़ी हुई है, किसानों से लेंगे नहीं, किसान मजबूर होंगे सस्ते रेटों पर इनको गंदम फराहम करने में। हम देख रहे हैं कि जो किसान बेचारा है यहाँ पे जो छोटे छोटे सेल बने हुए खरीदारी के प्राइवेट तौर पर, वहां पे अपनी गंदम और ज्यादा सस्ते दामों फरोख्त कर रहा है, क्योंकि उसने बिजली के बिल भरने, क्योंकि उसने बच्चों के लिए खाना खरीदना है, उसने अपनी जरूरियात जिंदगी, क्योंकि वो पूरा साल इंतजार करते हैं इस टाइम का कि गंदम जब आएगी हम उसको बेचेंगे तो अपने साल के लिए अपने खर्चे वो उससे बचाते हैं। तो अब की बार वो भी नहीं हो रहा,
तो पता नहीं इस मुल्क का क्या होने वाला है। और दूसरी तरफ हम सुनते हैं कि चांद पे मिशन भेजे जा रहे हैं, पता नहीं क्या निकालना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या है इनके पास, क्या करना चाह रहे हैं, बिल्कुल समझ नहीं आती। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।